नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। जोधपुर कमिश्नरेट में राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस बुधवार को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस दौरान सुबह रातानाडा पुलिस लाइन परिसर में सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। साथ ही उल्लेखनीय सेवाओं के लिए जवानों और अधिकारियों को DGP डिस्क और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। इसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों और अधिकारियों ने भी रक्तदान किया। राजकीय चिकित्सालय पुलिस लाइन परिसर रातानाडा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज 12 जून को पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में परेड के बाद पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस के जवान अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक 85 जनों ने रक्तदान कर चुके हैं और आगे जारी है। महात्मा गांधी अस्पताल की ब्लड बैंक टीम का सहयोग रहा है और जायंट्स ग्रुप NGO ग्रुप का सहयोग से ये काम काफी सफलतापूर्वक चल रहा है। लोगों से अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, जीवन दान करें और लाइफ बचाने। धन्यवाद। 12 जून को रक्तदान ब्लड कैंप रखा गया है, जो करीब 10 बजे शुरू हुआ था और करीब 35 लोगों ने रक्तदान किया है। रक्तदान एक महादान है और ये बहुत ही अच्छी परंपरा है और रहने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही पुण्य का कार्य है और ये रक्त कई व्यक्तियों के जीवन को बचा सकता है और कई व्यक्तियों के लिए काम आता है। इस कड़ी में अभी रेगुलर प्रोग्राम चल रहा है और इसमें सभी पुलिस कर्मियों के द्वारा ही रक्तदान का इस कैंप में शरीर होना और अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सर, अभी तक कितना हो चुका है रक्तदान? 85 आदमी ने लगभग दे दिया है। 85। ठीक, आपका परिचय सर? रविंद्र बोथरा, ACP ट्रैफिक ईस्ट एडिशन चार्ज। ओके सर।